नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा और दैनिक सेज समाचार के हिमाचल टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को जून से प्रतिमाह 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग ने नियमों में संशोधन कर प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया। अब जल्द इस बात अधिसूचना जारी होगी। प्रदेश में पहले चरण में 1000 और 1150 रुपए पेंशन ले रही महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। 18 से 59 वर्ष की अन्य पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना में शामिल किया जाएगा। ऊना जिले की सीमा से सटे नए नंगल सेतु के उद्योग में गैस का रिसाव हो गया। उद्योग के साथ लगे निजी स्कूल के कुछ बच्चे गैस की चपेट में आ गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य करते हुए बेहोश हुए बच्चों को नजदीकी नंगल में अस्पताल पहुंचाया। गैस की चपेट में 10 बच्चों के आने की। हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत बाड़ी फरनौल के तहत आने वाले गलियालू गांव में गुरुवार सुबह एक स्लिप पोस्ट मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर के अंदर रखा लकड़ी का सामान और इमारती लकड़ी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगने से पीड़ित परिवार को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चंबा के कालवन में 3 जगह हुए हिमस्खलन से लेनोवी का काम बढ़ा दिया है। बैरागट में 11 किलोमीटर कालवन तक टनों के हिसाब से बर्फ हटाई। हिमस्खलन के कारण टनों के हिसाब से फिर बर्फ के आने से बाहर मार्ग एक बार फिर बंद हो गया। 25 जून तक मार्ग को यातायात के लिए बहाल करना विभाग ने अपना लक्ष्य रखा है। राजधानी में हजारों भवन मालिकों से वसूली जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स में अब नई फार्मूले से बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर शिमला नगर निगम भी टैक्स बढ़ोतरी का नया फार्मूला लागू करने जा रहा है। इस फार्मूले के लागू होने से शहर में 3 साल की बजाय हर साल टैक्स में इजाफा होगा। हिमाचल विधानसभा से 24 विधायक बुधवार को लोकसभा पहुंच गए। ये विधायक यहां 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने सदन की कार्यवाही से विधायकों को अवगत कराया। हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती न होने से केंद्र सरकार से मंजूर 47 करोड़ का बजट लैप्स हो गया है। केंद्र सरकार ने इन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए बजट मंजूर किया था। सरकार 31 मार्च तक प्रदेश में 4700 शिक्षक भर्ती नहीं कर सकी। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के 1 और 2 वर्ष के कोर्स को लेकर बीते 3 वर्ष से विवाद चल रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार समय रहते इस मामले को नहीं सुलझा पाई। समर टूरिस्ट सीजन के दौरान शिमला आने वाले सैलानियों के लिए इस साल समर फेस्टिवल से पहले 20 मई से टूरिस्ट फेस्टिवल होगा। सैलानियों के मनोरंजन के लिए शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल होगा। आर्मी बैंड, पुलिस बैंड, होमगार्ड बैंड से सैलानियों का मनोरंजन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने भाषा एवं संस्कृति विभाग को हिमाचली संस्कृति से सैलानियों को रूबरू करवाने के लिए परंपरागत नृत्य करवाने के निर्देश दिए। लाहौल की रवीना ठाकुर इंडिगो एयरलाइंस के साथ बतौर पायलट कार्य करते हुए 13 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस अवसर पर उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस की ओर से सम्मानित किया गया। विधायक रवि ठाकुर की बेटी रवीना महज 17 वर्ष की आयु में अमेरिका के ओक्लाहोमा में पायलट का लाइसेंस हासिल करने वाली महिला बनी। विश्व की 3 बड़ी प्रमुख पैराग्लाइडिंग साइट में से एक बदला अभी तक उड़ानें भरने के लिए अधिसूचित नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों को इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। लोगों ने रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये साइट जनवरी में सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए बंद हुई थी। इसके बाद से ये अधिसूचित नहीं हुई है। आसमान में एक्रो गतिविधियों के लिए बदला है। पैराग्लाइडिंग साइट सबसे सुरक्षित मानी जाती है। ये थी आज के हिमाचल टॉप 10 खबरें। आप बने रहिए दैनिक सेज समाचार के साथ। नमस्कार। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे।